वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है मेहर अंजुम ने, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिदरा महमूद ने और स्क्वाड्रन लीडर जहाँ जैब इकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। मुझे बहुत खुशी होती है अपने फोर्सेस के लोगों से मिलने से। स्पेशली मैं खुद नेवी के स्कूल से पढ़ी हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा रिलेशनशिप लगता है, थोड़ा सा हक ज़्यादा लगता है कि शायद हम लोग जो है ना थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हैं वहाँ से। अगर हम लोग उसकी बात करें तौर तरीके की या जिस तरह के वो स्कूल्स होते हैं, वो तो आपको पता ही होगा कि देर नॉट लाइक कॉमन स्कूल्स। तो वहाँ से निकल के आप वैसे ही थोड़े से जो हैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। आज हम योम दिफा की बात कर रहे हैं और अगर हम उस दिन की बात करें तो सबसे जो है चमकता हुआ नाम जो सामने आता है वो एम एम आलम साहब का आता है। तो उनके बारे में आज क्या तासुरात जो है आपकी ज़ुबानी में सुनना चाहूँगी? एम एम आलम उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज तो है। बिल्कुल। 1965 में जो उन्होंने एयरफोर्स में रोल प्ले किया, टिल नाउ उनके उस रिकॉर्ड को अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर सका है, नॉट इवन ब्रेक, उसके करीब भी कोई नहीं आ सका। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप देखें 51 ईयर्स हैव बीन पास्ड, स्टिल उनका नाम उसी तरह ही है, उनके रिकॉर्ड को कोई नहीं ब्रेक। अच्छा, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें इंटरव्यूज हैं उन लोगों के जो उनके बहुत करीब थे और कहते हैं कि जब ये अटैक हुआ सुबह, बिल्कुल हम लोगों को खबर नहीं थी, खुफिया अटैक था, 3 AM जब हुआ और जब पता चला कि ऊपर से जो है एयर भी है वो इन्फिल्ट्रेट कर दिया उन्होंने, तो एम एम आलम जो है वो गए हैं एंड ही शॉट डाउन दीज प्लेन्स एंड टोटल ऑफ 9 planes एंड 5 का जो है रिकॉर्ड है। एंड उसके बाद वो वापस आए, मेस में खाना खा रहे थे और उनके जो साथी हैं वो आए हैं और उनसे पूछा है तुम्हें पता है तुमने किया क्या है? तो उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके लिए ये इतना जज्बा था कौम के लिए कि ये तो मेरी ड्यूटी थी, ये तो मुझे करना ही करना। बिल्कुल ऐसे। तो आप जो हैं, आप पढ़ाती भी हैं, जो एजुकेशनिस्ट, तो बच्चों में वो जज्बा नज़र आता है? बिल्कुल, अभी भी जैसे सर बात करें कि 51 ईयर्स हैव पास्ड, लेकिन अभी ये जज्बा जिंदा है तो पाकिस्तान एयरफोर्स अभी तक उस मुकाम के ऊपर मौजूद है, वेट इज सेकेंड टू नन। जितने भी कैडेट्स हमारे पास आते हैं उनके लिए जज्बा जिहाद और जज्बा शहादत मौजूद है। बिल्कुल। एंड टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द नेशन, जो कि नेशन से हमसे हैं, क्योंकि हम लोगों ने किसी भी मौके के ऊपर शर्मिंदा नहीं होने दिया इस मुल्क को। बिल्कुल। और हमारे कैडेट्स भी अभी तक उस जज्बे के साथ सरशार हैं और ट्रेनिंग इसी तरीके से करते हैं। सिदरा की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि हीरोज़ ने जो एग्जांपल सेट करते हैं वो यंग जनरेशन के लिए रोल मॉडल हो जाते हैं। बिल्कुल। और यंग जनरेशन उन हीरोज़ को फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं। हीरोज का होना बहुत जरूरी है, बहुत डेली लाइफ में भी, आर्म फोर्सेस में भी, जो अपने आइडलाइज करते हैं, अच्छे हीरोज जो बनाते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं और फिर वो आपको वो। बिल्कुल। और कुर्बानी की इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि मुल्क पे जो लोग कुर्बान हो जाए। कहते हैं कि जो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं आम बच्चों से बहुत डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर सब्र बहुत डिफरेंट होता है, उनके अंदर चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत छोटे होते हुए ही आ जाती है। और अगर कोई इस तरह का मौका हो जहाँ पे बाप कह दे कि अब हम ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, तो बच्चे जाते हुए ना ज़िद करते हैं ना रोते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि अब्बा जी आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसको पूरा किए बगैर मत आइएगा। कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा बच्चा जो है, यहाँ पर हमारे पर कितने प्यारे प्यारे जो हैं बच्चे बैठे हैं और मैं चाहूँगी बाद में यहाँ पर आके हमें कुछ सुनाएंगे भी, और यही हमारे मुल्क का फ्यूचर है और इनके अंदर अभी से अगर ये जज्बा इंस्टिल किया जाएगा तो आगे जाके ये ऐसे हीरोज़ शायद हमारे लिए बन जाए, जो हमारे अब हीरोज़ हैं आगे के फ्यूचर के हीरोज़ हमारे लिए यही हैं। अच्छा, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज के दिन के हवाले से यही है कि हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स ने क्या कुर्बानियाँ की हैं इस मुल्क को बनाने में और इस मुल्क को कायम रखने के अंदर। बिल्कुल। आज बेशक बहुत टाइम गुजर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ऐसा कोई मौका, कोई वॉर फ्रंट हम लोगों को दोबारा नहीं मिला, ऑपरेशन ज़र्बियाज़ इज़ ऑब्वियसली कंटिन्यूइंग राइट नाउ, लेकिन कोई जंग नहीं इस तरीके से मिली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सॉवरेनिटी हैज़ बीन सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए उन कुर्बानियों को। बिल्कुल। आज भी उन कुर्बानियों को हमें जिंदा रखना चाहिए और 6 सितंबर का डिफेंस डे सेलिब्रेशन इज अ वेरी गुड वे ऑफ इंश्योरिंग दैट कि हमारी यंग जनरेशन जिन्होंने वो हालात वाकयात नहीं देखे मेरी बर्थ से पहले के, सर से पहले के, लेकिन हम लोगों को ये जज्बा किस तरीके से मिला कि इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको होते रहना चाहिए। इसको होते रहना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ना सिर्फ ये कि वो हीरोज़ तो हमारे इस दुनिया से चले गए एक बहुत खूबसूरत मिसाल छोड़कर, लेकिन उनकी फैमिलीज, उनके जो आगे रिश्तेदार हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो तो अभी सॉलिडेरिटी उनको मिलती है, उनको सेंस है कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी कुर्बानी जो है वो नहीं भूले हैं, क्योंकि सिर्फ एक शख्स की नहीं पूरे मुल्क के लिए जो है ये कुर्बानी होती है और हमें ये याद रहता है कि आगे क्या। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि वॉर इज़ यूजली नॉट अनाउंस्ड, ठीक है, जब हो जाती है तो उसके बाद, तो ये प्रेपरेशन जो है शुरू दिन से, जब आप कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ इस फील्ड में या मैं जा रही हूँ इस फील्ड में और मैंने आगे जाके फाइटर पायलट बनना है, दैट मीन्स एट सम पॉइंट इन योर लाइफ कभी भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद आपको किसी डॉग फाइट में हिस्सा लेना पड़े।
कैसे अपने आप को तैयार करते हैं, वो क्या जज्बा होता है कि पहले दिन ही आप सोच लेते हैं कि अगर जान चली गई तो कोई बात नहीं? सर, इज एन ऑपरेशनल पायलट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटो होता है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ट्रेनिंग जो होती है वो पीस टाइम में भी उसी तरीके से की जाती है कि जिस तरह वॉर टाइम में आपने एक्चुअल जंग लड़ी। अच्छा, प्रैक्टिकली ये इसी तरीके से पॉसिबल है जंग में जीतना या जंग में अच्छा परफॉर्म करना, कि डेली रूटीन में भी उसी रूटीन को फॉलो किया जाए, उसी प्रैक्टिस को रखा जाए, तो आप उस फोर्स में वॉर टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, वॉर टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। बट एवरी डे यू हैव टू थिंक दैट वी हैव टू बी रेडी फॉर वॉर, एंड वी आर, एंड वी आर, यू वुड से विद कॉन्फिडेंस। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, यू सेड के इन 65 वी वर claim to be a most resilient nation. Yes. We were resilient, we are resilient, and we will be resilient. We will always be resilient. Well, Time Magazine has sirf ek hi mulk ko jo hai ye title diya hai, and I think no other country deserves it better than Pakistan, kyunki hamare jo log hain, logon ke bare mein aap kya kahenge, log to be-intaha pyar karte hain forces se, lekin how do you see ki kya aapko lagta hai qaum jo hai aapke saath hai, aapke peeche hai, isme koi do rai nahi ho sakti, isme koi shak ki gunjayish hi nahi hai, shak ki gunjayish, qaum bilkul forces ke saath hai. और आज जिस तरह ज़र्ब-ए-अज़्म में जिस तरह फोर्सेस परफॉर्म कर रही हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स इन सिनर्जी विद द आर्मी एंड द नेवी, जिस तरह हमने, ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है ज़र्ब-ए-अज़्म, ये नॉर्मल वॉर नहीं है, ये प्रॉक्सी वॉर्स हैं, और जिस तरह हमने उनको साइडलाइन किया है, उनको बॉर्डर तक लेके जा चुके हैं, ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि अवाम हमारे साथ थी फोर्सेस के, और फोर्सेस की आपस में सिनर्जी भी थी, बिल्कुल, इसीलिए ये पॉसिबल। बिल्कुल, आपस में तो अगर आपकी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। एग्जैक्ट, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब आपका एक अज़्म है कि आपने अपनी मुल्क की सॉवरेनिटी को बचा के रखना है और उसी को आगे लेके चलना है, तो फिर देयर इज नो डिविजन बिटवीन दैट। तो आपको लगता है 65 के जज्बे में और आज के जज्बे में कोई फर्क नहीं? आई डोंट थिंक सो, यू डोंट, कोई जज्बे में फर्क नहीं आया है, वो उसी तरह ही है, वो उसी तरह है। प्रॉब्ली अभी उस तरह टेस्ट नहीं हुआ है इतने 65 के, 51 ईयर्स हैव बीन पास, लेकिन आपके सामने एग्जांपल्स आती रहती हैं कमोबेश डेली। अल्लाह ताला को भी हमें वो दिन दोबारा ना दिखाए, मतलब हम सब की दुआएं हैं कि हमारा मुल्क जो है वो अमन से आगे चलता रहे, क्योंकि जो कुर्बानियाँ हैं वो हमें याद तो रहती हैं, वो हमारे हीरोज तो बन जाते हैं, लेकिन दुख तो इंसान को हमेशा रहता है। ये वही जज्बा था 1965 का, कि आज 51 ईयर्स के बाद भी दुश्मन के अंदर वो करेज नहीं आ सके कि दोबारा चेक कर सके उसको, बिल्कुल बिल्कुल, कि दोबारा उसको टेस्ट किया जा सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं और आपके पास नए कैडेट्स आते हैं, तो उनमें क्या जज्बा होता है, क्या सोच कर आते हैं वो? उनके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, यू नो यू आर द क्रेम डेला क्रेम ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की क्रीम से भी बेहतरीन है, और ब्लू यूनिफॉर्म पहनना एंड टू बिलोंग टू दोज पीपल जो आपके जॉइंट्स रहे हुए हैं, जिनके मुतालिक आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है। हाँ। और अब थोड़ा सा आपको एक मौका मिल रहा है कि आप उनके साथ उन्हीं की लीग में आने लगे, उन्हीं के रैंक्स में खड़े होने लगे। जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनका जज्बा तो बहुत ऊंचा होता है, आप अच्छा। देखकर वाकई हैरान होते हैं कि क्योंकि ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, एक सिविलियन मोल्ड से एकदम मिलिट्री मोल्ड में जब आप आते हैं तो इट्स अ शॉक, आपको एकदम हैरानी होती है कि ओ ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है फ्रॉम व्हाट आई एनविजेज्ड टू बी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वो उसको करते हैं, पढ़ाई के अंदर अपनी उनकी तवज्जो होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर उनकी पूरी ज़ील और ज़ेस्ट होती है। आप उनके जज्बे को देखकर आपको वाकई एहसास होता है कि ये किस कौम के बेटे हैं, किस कौम के बेटे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, बीइंग अ वुमन, या ठीक है, हाउ आर यू परसीव्ड इन दिस सोसाइटी? पीपल एक्चुअली लुक अप टू मी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड नॉट जस्ट मी, मेरे साथ जितनी भी सिस्टर ऑफिसर्स हैं उन सबको, एवरीबडी लुक्स अप टू देम, बिकॉज मेल ऑफिसर्स से तो बंदे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेन आर सोल्जर्स, लेडी ऑफिसर्स जनरली इतने, आई थिंक पीपल लाइक मरियम are changing that perspective for us, Mariam even now, that hum, like, you know, drastically. Mariam has changed that drastically. Pakistan Air Force mein ye scenario bahut arse pehle se change ho chuka hai. People, the ladies are coming in different branches and now they have started flying as well. Yes. So wo ek jo thi cheez wo khatam ho chuki hai. Women are performing equally in Pakistan. So you have complete confidence in the women? Yes, exactly. Yes, that they can, they yeah. can. How do you feel being on that? यू नो, एक हमेशा हमारे लिए होता है ना कि जब आपको कोई भी ऐसा काम दे दिया जाए जो यूजली आपका नहीं है, तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ऑन डूइंग इट। सो बीइंग अ वुमन आफ्टर मरियम, हाउ डू यू फील? अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मरियम ने स्टेक्स इतने हाई कर दिए हैं कि उन कैन टू लिव अप टू देम, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, आई वुडंट से इम्पॉसिबल, बट इट्स चैलेंजिंग। मरियम की शहादत, मरियम की द वे शी वॉज ट्रेनिंग टिल द लास्ट मोमेंट, टिल हर लास्ट ब्रेथ, she has actually raised the standards. Yes. Aur aapke liye to live up to that is a challenge that you have to live by every day. And you take immense pride ke
बेशक मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मरियम जैसा नहीं है, बिकॉज मरियम ने तो अपनी जान देकर इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई थी, येट एट द सेम टाइम यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स मेकिंग दैट पॉसिबल, मेकिंग द एरियल डिफेंस ऑफ पाकिस्तान पॉसिबल. बिल्कुल, तो यू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. अल्हम्दुलिल्लाह. हम लोग कल भी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, जैसे मैंने कहा जब भी ये दिन आता है तो हर डाइनिंग टेबल की कॉन्वर्सेशन, और स्पेशली वो लोग जो दादा हैं हम लोगों के जो तब थे, वो तो इतना प्राउडली बताते हैं कि हमारी, हम लोग जब सामने से टैंक गुजर रहे होते थे या एक जो है वो जा रहा होता था एक पूरा हम लोगों का फौजियों का, वो तो हम वेव कर रहे होते थे एंड वीड बी चेयरिंग देम ऑन. और कहते हैं वो जज्बा, वैसा जज्बा मैंने नहीं देखा दोबारा कि वो क्या है. और उस टाइम पे जब नेशन टेस्ट होता है, जिस तरह लोग ग्लू टुगेदर होते हैं, और जब भी मैं इनसे पूछती हूँ, हम लोग हमेशा अफसोस भी करते हैं, वो माएँ वो बहनें जो खो दिया जिन्होंने अपने बेटे को, उनके सीने फख्र से चौड़े हो गए. लेकिन जब मैं इनसे पूछती हूँ अपने बच्चों को आप कभी आर्मी में भेजेंगे, आप कभी एयरफोर्स में भेजेंगे, नेवी में भेजेंगे, विदाउट द ब्लिंक ऑफ एन आई दे से यस यस. इससे बड़ा एजाज़ हमारे लिए कोई है ही नहीं कि वो जाके अपने मुल्क को सर्व करें, और अगर उन्हें शहादत का मर्तबा मिल जाए तो क्या ही बात है. ये तो अल्लाह ताला जो है चोजन पीपल उनको मिलता है मर्तबा. तो बिल्कुल ऐसा ही टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. बिल्कुल खामोश बैठी हैं आप, हम ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपकी आवाज़ में खूबसूरत सा गीत जो है वो डेडिकेट करते हैं अपनी फोर्सेज को. छोटी सी ब्रेक के बाद मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद. और इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, एक दफ़ा दिखाइए ना सारों को. इतनी मेरे दिल खुश होता है ऐसे जो है ना नौजवान और छोटे छोटे बच्चों को देख के. नौजवान तो नहीं, अभी तो बहुत छोटे हो, लेकिन जज्बा मुझे लगता है सबका जो है वो फुल हो गया. ऐसा ही है, ऐसा ही है. यस, आवाज़ नहीं आ रही मुझे. यस, ऐसा ही है. अच्छा, 65 की जंग में जो है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इंडियन एयरफोर्स में और पाकिस्तानी एयरफोर्स में क्या फ़र्क था? हर तरीके से फर्क था. टेक्नोलॉजी का भी डिफरेंस था. अच्छा, वी वर फॉरवर्ड, हालांकि वी वर अ वेरी यंग नेशन देन. या वी वर यंग नेशन, बट वी वर नॉट फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी विद देम. अच्छा, यस, वी वर नॉट फॉरवर्ड एट, वी वर एट पार, एट पार थे. अच्छा, लेकिन वी नेवर हैड द कटिंग एज ऑन द इंडियन एयरफोर्स. बट जो क्वांटिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस था. अच्छा, उनके बहुत ज्यादा 3 times दे वर लार्जर एयरफोर्स देन द एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स. और एट द एंड ऑफ द वॉर जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो कैलकुलेशन की, उसके बाद उन्हें किया कि हमने 4 times उन्हें ज्यादा डैमेज किया था. अच्छा जी, 4 times, 3 times bigger एयरफोर्स को हमने 4 times ज्यादा डैमेज किया था. वाओ, तो ये क्रेडिट आप किसको देते हैं? पायलट्स ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, पूरी उनके जज्बे को, उनकी ट्रेनिंग को, उनकी कमांड को. How do you think कि इतने छोटे से टाइम में 47 में मुल्क हमें मिला, 65 में this very unfortunate event took place. तो इतने छोटे से टाइम में how were we trained so well? Because वही जिस जज्बे की आपने बात की, वही वो जज्बा था जो उनको उस ट्रेनिंग की तरफ लेके गया, जिसमें उन्होंने दिन रात मेहनत की और उस लेवल पे पहुंचे. और इस चीज का उनको रियलाइजेशन थी कि उनका मुकाबला किस मुल्क के साथ है, कौन उन्हें थ्रेट कर रहा है, और इस चीज को वो इग्नोर नहीं कर सकते थे. नहीं कर सकते थे. और अगर इग्नोर करते तो आज शायद हम यहाँ ना बैठे होते. अच्छा, और जो चीज आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, जिसके लिए आप बहुत कुर्बानी देते हो, जिसके लिए आप इतने अरसे ख्वाहिशमंद होते हो, वो आपको फाइनली मिल जाए, तो आप उसकी हिफाजत फिर दिलो जान से करते हो. और पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा ही था हमारे लिए कि हमें बहुत जो है कुर्बानियों के बाद और बहुत मुश्किल से और बहुत सारे, मैं कहती हूँ कि चीज़ें गवा कर हमें जो है हमारा ये मुल्क मिला. और उसके बाद ऐसा है हमारे लिए, अभी भी है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. और मैं कहती हूँ कि अभी भी हम उतने ही स्ट्रांगली जो है इसके प्रोटेक्टिव हैं इसके बारे में. और हम कहते हैं कि कोई इसकी तरफ आंख उठा कर ना देखे, हमारी सोवरेनिटी को जो है कोई जो है इतनी सी भी चैलेंज नहीं कर सकता, आज नहीं पहुंचा सकता. आप बहुत खामोश हो और आपके यहाँ पे जो है अब्बा जी भी आए हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी. तो आप हमें क्या सुनाओगे आज? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि 6 September शुड ऑल्सो बी द डे ऑफ थैंक्स गिविंग टू ऑल दोज ब्रेव आर्म्ड फोर्सेज हु गिव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो. सो आई जस्ट वांट टू सल्यूट फ्रॉम माय बोथ हैंड्स टू ऑल दोज ब्रेव आर्म्ड फोर्सेज. और मैं अपना जो नेशनल सॉन्ग है वो भी उनको ही ट्रिब्यूट दूंगी. तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं. चलिए आ जाओ. We'll be right back.
लफ्ज़ अगर आप इस गीत का सुने एक एक लफ्ज़ आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे कैसा ये गाते हुए कैसा लग रहा होता है एकदम वो फीलिंग आ जाती है ना इंसान में एकदम मैं अपने कंट्रोल्स में नहीं थी एकदम लिरिक्स आगे पीछे हो रहे थे लेकिन हाँ। फीलिंग आ गई ना एकदम एकदम से आपके जो है ना जज्बात रोंगटे खड़े हो जाते हैं फीलिंग आप लिरिक्स पर अगर गौर करें तो इसके लिरिक्स में इतनी डेप्थ है कि आप मतलब खुद के कंट्रोल से बाहर हो जाते बिल्कुल बिल्कुल आज भी जब आप ये सुनते हैं तो समझ नहीं आती कि किस तरह उन बेटियों उन माओं ने जो है ना क्या उनके दिल का जज्बा था कि उन्होंने एक दफा भी सोचा नहीं और भेज दिया उन्हें अपने वतन की
बिल्कुल ऐसा ही है। 6 सितंबर का दिन लाजवाल अजमतों का दिन है, कुर्बानियों का दिन है, तो इस दिन को हमें रायगा नहीं जाने देना चाहिए बल्कि उनकी कुर्बानियां हमेशा हमें याद रखनी, हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की अपने टाइम में। एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके साथ। मॉर्निंग, हम याद कर रहे हैं अपने शुहदा को और उन्हीं की एक शुहदास्तान हम आपसे सुनना चाहेंगे, सरफराज रफीकी साहब का, बाकी अगर आप हमें सुनाइए। 1965 वॉर में सरफराज रफीकी साहब ने जो कुर्बानी दी है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्जा रखती है। उसकी वजह यह है कि 65 की वॉर में उन्होंने छम्प के सेक्टर पर एक दफ़ा वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसे कैप का मिशन कहते हैं इन टेक्निकल टर्म्स। तो कैप के मिशन में उन्होंने 2 इंडियन एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया और उनको शॉट डाउन किया, जो एक छम का सेक्टर बनता है कश्मीर के एरिया में, जिसकी बाद उन्हें सितारा जुरत से नवाजा गया। इसके बाद एक एयर रेड प्लान की गई हलवाड़ा के सेक्टर में, जिसमें 3 जहाज़ों की फॉर्मेशन ने फ्लाई किया। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का नंबर 7 स्क्वाड था जिसको उन्होंने इंटरसेप्ट किया। ड्यूरिंग दैट कैंपेन उनकी जो गन्स थी वो जैम हो गई सरफराज रफीकी साहब की। नाउ यू कैन इमेजिन, एक शख्स जंग लड़ने के लिए गया है और उसका हथियार ही नहीं है उसके पास। दिस इज अ लेवल ऑफ मोटिवेशन विच ही हैड एट दैट टाइम। ही आस्क्ड हिज नंबर 2 टू लीड द फ्रंट। उन्होंने नंबर 2 को कहा कि तुम कमांड संभालो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। अब एयर में एक फाइटर पायलट अपने जहाज में बैठा हुआ है जिसके पास उसकी गन्स ही नहीं है, तो आप सोच सकते हैं वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा उसको, अपने जहाज से ही। और यही हुआ कि उन्होंने उस कैंपेन में जाम शहादत नोश किया जिसके ऊपर उन्हें हिलाल जुरत से नवाजा गया। तो सरफराज रफीकी साहब का जो ये वाकया है, ये अपनी मिसाल आप है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि किस तरीके से एक लीडर ने अपनी जो कमांड थी उसको सर्व किया और अपना एम जो है ना अचीव किया। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने कहा ना कि जब आर्मी ऑफिसर जो हैं जब जाते हैं घरों से, तो उनके बच्चे कहते हैं अपने एम में आपने फेल होके वापस नहीं आना। तो जब आपकी औलाद आपको ये कह दे, जब आपके घर वाले आपको ये कहते, तो फिर आपके पास हथियार सबसे बड़ा आपकी वतन की मोहब्बत और जज्बा ही होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी जो है आप लोग यही इंस्टॉल करते हैं अपने बच्चों। एग्जैक्टली, यही चीज इंस्टॉल की जाती है, कोई वाली बात है। आई विल बी रिपीटिंग मायसेल्फ व्हेन आई से कि वो जज्बा अभी तक जिंदा है, तो पाकिस्तान एयर फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल सेकंड टू नन। एंड इट्स अ सेल्फ बिल्ट जज्बा, यू डोंट हैव टू डू इट। आप जज्बा किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपके अंदर होता है तो यू डिलीवर, अगर आपके अंदर नहीं है तो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन फोर्स यू टू डू इट। अच्छा, उस वक्त के जो एयर चीफ थे नूर खान साहब, उनका अगर आप रोल बयान कीजिए क्या था? एयर मार्शल नूर खान वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो उस वॉर में इस तरह उन्होंने लीड नहीं किया कि जिस तरह दुनिया की एयर फोर्सेस में कमांडर करते हैं कि अपने फोर्सेस को आगे भेजते हैं और खुद पीछे से लीड करते हैं। ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही वाज एट द बेसिस एट द एफओबीज वेयर ही वाज वाचिंग कि जहाज किस तरह फ्लाई कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या दुश्मन की मूव है और उसको काउंटर किस तरह किया जाएगा। यही वजह थी कि उसमें पाकिस्तान ही वाज एन एग्जांपलरी लीडर। बिल्कुल, अच्छा, कहा जाता है कि हमारी जो आर्मी है, नेवी और एयर फोर्स है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट in the world. Yes. What do you think? But Air Force is usually credited as the most prepared at all times. Yes. Is that true at some extent? Yes, it is true. And it is true because of the training. Because of normal, the training which the people undergo in the normal routine, that makes the difference. कि वो ट्रेनिंग ही उनको प्रिपेयरनेस देती है फॉर वॉर टाइम सिनेरियो। और इसका ऑफ एंड ऑन एग्जांपल्स हमें मिलती रहती हैं, जो हमारी एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है इंटरनेशनल इवेंट्स में,
तो वो तो इंटरनेशनल इवेंट है, उसमें तो जो ज्यूरी है वो भी इंटरनेशनल है, आप ये नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली भी एक अवार्ड जो है अवार्ड हमें मिला है हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जो इंटरनेशनल एयर टैटू कॉम्पिटिशन हुआ था, वी वर सेकंड इन दैट। एक हमने वो इवेंट किया, स्नाइपिंग कॉम्पिटिशन भी जो है हमें एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट एज वेल। तो ये सारे वो रिकॉर्ड्स हैं जो अवार्ड्स हैं जो इंटरनेशनल एयर फोर्स इंटरनेशनल ज्यूरी वो देख रही है और वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है। अच्छा, डू यू थिंक कि इन्हीं तीन फोर्सेस में से जो है, जो एक जो है ग्राउंड पे है, एक सी में और एक एयर में, इसमें सबसे ज़्यादा इट्स अ मैटर ऑफ नेसेसिटी एज वेल कि आपकी एयर को जो है एयर फोर्स को सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना चाहिए एट ऑल टाइम्स? आई वोंट से दैट कि सिर्फ एयर फोर्स प्रिपेयर्ड है, आई विल से all the three sister forces are prepared in their own scenario. Most necessary ke sabse zyada prepared jo hai sabse zyada when a country is attacked, yes, sabse first instant jo reaction hota hai wo kaun si force deti hai? Air force deti hai. So I think it's a matter of necessity too ke wo at all time jo hai alert rahe. Is waqt agar hum status dekhe apni air force ka, so what would you say about it ke aajkal kya training chal rahi hai? We have this new plane hai mujhe uska naam jo hai JF-17 Thunder. bilkul iske isse kyun itna jo hai na khatra banta hai, matlab you know why is everybody so scared of this? Because right now we are celebrating 6 september. It's a general concept ke ji 6 september hai, log relax hain, isko celebrate kar rahe hain, but aisa hai nahi. Forces apni jagah pe alert hain, they are doing their jobs, they people are sitting and the ada, the caps are going on. To वो सारी चीजें अपनी जगह, मे इट बी द पब्लिक हॉलीडे, कोई ईद है, बकरीद है, इट डजंट मैटर, जो काम है वो काम है, वो करना है। और डिफेंस तो 24/7 का है, वो एक दिन का नहीं है, दो दिन का नहीं है। तो ये JF-17 थंडर की जो आपने बात की है, इट्स एन इंडिजिनस प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान कोलैबोरेशन विद चाइना, सो वी आर सफिशिएंट ऑन प्रोड्यूसिंग दैट एयरक्राफ्ट। हम खुद इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मोल्ड कर रहे हैं कि इसमें हमें क्या चीज चाहिए जो हम दुश्मन को केटर कर सकें, उसको हम थ्रेट दे सकें अकॉर्डिंगली। हाउ इज इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट वी हैव सो फार? हमारे पास अभी तक जो कुछ भी है उससे किस तरह मुख्तलिफ है? यू आर टॉकिंग अबाउट द JF-17। सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन दैट एयरक्राफ्ट। हम जो चाहते हैं इसमें अपनी मर्जी से लगाते हैं, उसको यूज करते हैं और दुश्मन की थ्रेट के हिसाब से उसको मोल्ड कर लेते हैं। ये एज जो है ये बाकी जहाजों में हमें नहीं मिलता, ये JF-17 में मिलता। अच्छा, बाकियों में क्यों नहीं मिलता? I'm sorry, it's a layman question, but I'm interested. Because F-16s हैं, वो हमारे पास काफी अरसे से हैं, उनका रोल डिफरेंट है। हर जहाज का रोल डिफरेंट होता है। इस जहाज का रोल मॉडिफाई इस तरह किया गया कि हर रोल में यूज हो सके, हर रोल में ये यूज हो सके। ठीक है, एंड वी आर वेल इक्विप्ड, लाइक वी आर ट्रेन्ड टू यूज दिस, ऑल ऑफ अस। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यू नो यू हैव बीन वेरी अकोमोडेटिंग, यू हैव टोल्ड अस an interesting story that we all know. और बार बार मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि यहाँ पर अगर हम कोई वाकया बयान करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने वाकया पहले सुना नहीं होगा, अगर हम उन्हें याद करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने उनके बारे में पढ़ा नहीं होगा। मकसद इस दिन का यही है हमारे पास कि हम उन्हें अपनी यादों में ताज़ा रखें, हम उनकी फैमिलीज को अपनी दुआओं में याद रखें, हम इस प्यारे मुल्क के लिए जो है दुआ करते रहें और उनकी कुर्बानियों को हम कभी भी जो है रायगा ना दें। अगर आप एक मैसेज देना चाहें क्या होगा? मैसेज बहुत इस तरह कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई रेड समथिंग व्हिच आई वांट टू रिपीट टू माय नेशन। श्योर, कहते हैं कि जो कौमें अपनी तारीख को भुला देती हैं उनका जोग्राफी उन्हें फरामोश कर देता है। आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान कि अपनी तारीख को मत भुलाएं, उन कुर्बानियों को मत भुलाएं, बेशक वो 4765 हो, 71 की जंग हो, ये मत भूलें कि लोगों ने इस मुल्क को कायम रखने के लिए, इसी सॉवरेनिटी को कायम रखने के लिए क्या कुर्बानियाँ अदा की। बिल्कुल, और आज भी हमें वही जज्बा चाहिए अगर हम पाकिस्तान को मजीद बुलंदियों पर लेकर जाना चाहते हैं। वो जज्बा कुर्बानी, वो जज्बा ईसार, वो सॉलिडेरिटी, यूनिटी अमंग ऑल द 5 प्रोविंसेस दैट वी हैव इन द कंट्री, और एक गोल सेट करें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए करें, अपनी जात से बढ़ के सोचें। बिल्कुल, बेशक आप यूनिफॉर्म में हैं या आप यूनिफॉर्म में नहीं हैं, एवरी वन ऑफ अस हैज़ द सेम गोल कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। बेशक वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो, वो कंट्रीब्यूशन भी आगे जाके बहुत बड़ी बात बन जाता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं कहूँगी सबसे पहले स्टे ट्रू टू योर नेशन। Exactly. अगर आप पेट्रियाटिक रहेंगे, और फोर्सेज तो हमारी बहुत सबसे ऊपर है, मैं कहूँगी वो तो हमारे फोर फ्रंट पे है, वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि आप सेफ सोते और जागते क्यों हैं। एज अ सिविलियन, एज अ पर्सन, अगर आपके अंदर वो पेट्रियाटिक जज्बा है, अगर आई यूर ट्रू टू योर नेशन, अगर आप वाकई यहीं पर रह के सर्व करना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं, इसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो पेट्रियटिज्म अपने अंदर से आपने निकालना नहीं। आपने हिस्ट्री की बात की, इसकी एक और भी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देते हैं कि वो नेशन जो अपनी हिस्ट्री भुला देते हैं उनको वो रिपीट करनी पड़ती है।
तो अगर तो अपनी वो गलतियां दोहराना चाहते हैं, आप उनसे सीखना नहीं चाहते, वो जज्बा याद नहीं रखना चाहते, तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, आपसे भी मिलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यंग जनरेशन को स्पेशली कि अपने आप हीरोज़ बनाएं, उनको आप आइडियलाइज करें, उनको अच्छे हीरोज़ आप रखें जिनको आप फॉलो करें, और देर आर नो शॉर्टकट इन लाइफ, नो मैटर यू आर इन मिलिट्री, नो मैटर आपकी तरह मीडिया में है, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, और अपने मुल्क को सबसे पहले रखें। मैं इसमें एग्जांपल दूंगा, इशफाक अहमद साहब ने इस बारे में कहा है कि ये मुल्क जो है हज़रत सोलह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है। हज़रत सोलह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उन्होंने उस ऊँटनी को नुकसान पहुँचाया, उस कौम पर अज़ाब आ गया। इस मुल्क की आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि इस मुल्क के खिलाफ जिसने भी काम किया है वो पनप नहीं सका है, वो उसको हमेशा नुकसान पहुँचा है। Always keep your country always in front of you. In front of you and first. Your first priority. Priority should be the country. Your country. बिल्कुल. Thank you so much. Most Thank you so much for being here. Thank you for blessing us with your presence. Thank you for your wise words. मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है, और हमारे शुहदा को तो हमारा सलाम है ही, पर आप लोग हमारा फ्यूचर हैं, आप हमें अभी करंटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ, और हम आपको भी सलाम पेश करते हैं। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। जब मैं कौम के जज्बे की बात करती हूँ, जब मैं इस दिन की बात करती हूँ, तो वो जज्बा जो है सिर्फ किसी एक एज ग्रुप को लिमिटेड नहीं है, वो स्टार्ट होता है बिल्कुल बच्चों से जिनको थोड़ी सी समझ हो, और जाता है बूढ़ों तक भी जिनकी सिर्फ दुआएं जो हैं वो काम आ सकती हैं। तो एक छोटा सा वाक्य आपसे शेयर करना चाहूँगी। सियालकोट के महाज पर दो छोटे मासूम बहन भाई जो हैं वो बाहर निकले, और उन्होंने जब आर्मी ऑफिसर्स को देखा कि वो जा रहे हैं अपने मिशन पर, तो उनके घर में जो एक मुर्ग बना था और साथ में कुछ गन्ने थे जो अम्मा ने शायद उन्हें खाने के लिए दिए हों, वो फ़ौरन लेकर चले गए, और उन्होंने वो जो है उन्हें पेश कर दी और कहा कि ये हमारी तरफ से, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत छोटे हैं, तो हम चाहेंगे कि जब आप अपने महाज पे जाएं, जब आप आगे लड़ने के लिए जाएं, तो आपके पास ताकत भी हो, और आप जो है हमारी छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इसको याद रखें, और पाकिस्तान के लिए हम जो कर सकते हैं छोटी सी छोटी चीज़ वो हम करना चाहेंगे। ये उन बच्चों की मासूमियत थी, ये उन छोटे बच्चों का जज्बा था, और इसी तरह के छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज मेरे पास भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कौन मुझे बता सकता है कुछ इस दिन के बारे में? कौन बताएगा? आप बताओगे? शाबाश भाई, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं बच्चे जो फौरन हाथ खड़ा कर लें। बैठ के बता दो कोई जी। टुडे इज 6 सितंबर 1965 को वॉर हुई थी, और इस वॉर में पाकिस्तान ने डिफेंस किया था, पाकिस्तान विन हो गई थी, बिकॉज इंडिया के इरादे ठीक नहीं थे, इट वॉज इनके बहुत गंदे इरादों की वजह से पाकिस्तान ने अपनी वॉर जीत ली इसी तरीके से। ठीक है, उनकी नीयत जो है वो ठीक नहीं थी, इस वजह से हम जो है वॉर जीत गए, ऐसा ही है। और हम सलाम पेश करते हैं उन सबको जो इस जंग में शहीद हुए, जिन्होंने हमें हमारे पाकिस्तान को सही डिफेंड किया, जो हमारे लिए आज तक जो है वो खड़े हैं, जो हमें आज भी हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, आप भी जो है यूनिफॉर्म आपका जो है आर्मी पब्लिक का ही है, तो क्या आगे क्या करना है जिंदगी में? मैं एयरफोर्स में जाऊंगी। एयरफोर्स में जाओगी? फाइटर पायलट बनना? या मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती हूँ। क्या बात है, तालियां बजाएं भाई, इतने प्यारे इरादों के लिए, इतनी खूबसूरत नीयत के लिए, इतने प्यारे इरादों के लिए हम ताली कैसे ना बजाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या आर्मी डॉक्टर हो? क्या बनना है आपने बड़े होकर? आर्मी में जाना। आर्मी में जाके क्या करना है? डॉक्टर बनना है। माइक अपने पास करो ना। डॉक्टर बन के क्या करोगे? आर्मी का डॉक्टर क्यों बनना है, आम डॉक्टर क्यों नहीं बनना? मामा ने कहा है, मामा इधर ही बैठी हैं, हैं जी, हैं ना, मामा से पूछते हैं ना। क्या जज्बा है जी ये बच्चों में, बताइए मुझे। बच्चों को, मेरे बच्चे हमजा APS में पढ़ते हैं, इनको वैसे ही मतलब इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक है, और वैसे भी इनको आगे जाके कहते हैं हम आर्मी एयरफोर्स, और ये बेटा बैठा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, तो ये भी कह रहा है मैं फोर्स। अच्छा, अम्मा के जो जज्बात है ना, जो अम्मा की दुआएं हैं, जितना प्यार है इस मुल्क से, वो बच्चों के यूनिफॉर्म में झलक रहा है। यही क्या चाहती हैं आप, क्या बने आगे जाके?
मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े होके मतलब अपने मुल्क को कौम की खिदमत करें और कुछ बन के मतलब अगर इनसे जो भी कुछ हो सकता है जो भी मतलब ये कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए करें। जैसे हमारे अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के ये पाकिस्तान हासिल किया, इसी तरह मैं भी चाहूँगी मेरे बच्चे बड़े होके अपने मुल्क को कौम की खिदमत करें, बेशक इसके लिए कुर्बान हो जाए। क्या बात है, क्या जज्बा है आपका। मैं क्या पैगाम देना चाहेंगी उन सारी माओं को, उन सब माओं को जो घर बैठी होती हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता कि रात को फोन आएगा कि क्या खबर आएगी, उन माओं के लिए क्या पैगाम है आपका? बस उनके लिए यही है कि जाहिर है उनके बच्चे घर से निकले हुए हैं और एक बहुत अजीम मिशन के लिए निकले हुए हैं। बिल्कुल। और उनकी जो स्पिरिट है, अल्लाह पाक उन्हें आगे बल्कि जिंदगी के हर मैदान में सुरखरू करें और उन्हें कामयाबियों कामरानियाँ अता करें। और हमारे दुश्मन जो हर वक्त तान लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह शिकस्त दें, उन्हें किसी भी मोड़ पे इन्हें नाकाम करें, अल्लाह पाक उनके इन अजाइम को कभी भी पूरा ना होने दें। बिल्कुल बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात की आपने और क्या आपका जज्बा है। ऐसी माओं के लिए जरूर तालियां होनी चाहिए। ये पीछे बड़ी प्यारी प्यारी, जी 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 जी, बताइए ये जी क्या कहना चाह रही हैं। मेरा नाम जैनब है और मैं पाकिस्तान के एलीट स्कूल से हूँ। मैं पाकिस्तान की फाइटर पायलट बनना चाहती हूँ, जैसे मरियम शहीद हुई थी फाइटर पायलट, मैं भी इसी तरह शहीद होना चाहती हूँ। शहीद होना चाहती हैं, वाह वाह। शहादत का मतलब पता है? मैंने यही सुना कि जो शहीद होते हैं सबसे अच्छी मौत है, पूरी सबसे 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 आला दर्जे की मौत है। बिल्कुल, क्या बात है। अम्मा अब्बा से बात करती हैं इस बारे में आप? जी। उनको पता क्या कहते हैं? अम्मी साथ तो नहीं आई? नहीं, साथ नहीं आई। तो वो सुन रही होंगी वो। बिल्कुल। कितने बहन भाई हो आप लोग? हम तीन बहनें हैं। ये आपके साथ आपकी बहन है? नहीं, मेरी दूसरी सिस्टर्स हैं, वो नहीं आई। वो नहीं है? ये आपकी फ्रेंड्स है? ये भी तो बहने हैं, ये भी तो बहने। क्या नाम है आपका बताइए जरा? मेरा नाम महरीन सादिक है। महरीन सादिक, क्या करना है आगे जिंदगी में? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एयरफोर्स में जाऊं। आई लाइक एयरफोर्स। सारे एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। अभी हमारे जो मेहमान आए हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ कराती चलूंगी, वो नेवी के हैं। जल्दी से बोल दो, नेवी में भी जाना है। जी अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अबीरा है, मैं पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहती हूँ। ये पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहती है, क्या बात है। आप लोग कुछ प्रिपेयर करके लाए हो, कुछ सुनाना चाहोगे हमें? जी। तीनों साथ सुनाओगे? तीनों बहने सुनाइए फिर, शाबाश। मौज बड़िया आंधी आए, मौज बड़िया आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर सौ दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बड़िया आंधी आए, मौज के बाल बखेरे उड़ती, अरसा रूब लुटाता चांद, रूब लुटाता चांद। बादल बरसे उठती आंधी, तारे पड़ गए मान, तारे पड़ गए मान। रात खटिन या दिन हो भोजन, हंसते गाते चलना है, हंसते गाते चलना है। घर की खातिर सौ दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। क्या बात है भाई, क्या बात, दिल से गाया है ये, है सच्ची। ये जो बात की है इस पे पूरा यकीन भी है कि सौ दुख झेल लें हम लोग, लेकिन घर तो अपना, अपने घर के लिए तो सारा दुख ठीक होता है, ऐसा ही है जी। ये जो दो मेरे पास सिपाही बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने भी एयरफोर्स में तो नहीं जाना? हमने सोल्जर बनना है, आर्मी ज्वाइन करनी है। क्यों करनी है? अपने मुल्क की खातिर लड़ना है। अपने मुल्क की खातिर लड़ना है। और आपने जो भाई हो, भाई हो? यस। क्या नाम है आपका? अब्दुल वासे। अब्दुल वासे, आपने भी आर्मी में जाना है और मुल्क की खातिर लड़ना है। किस से लड़ना है? दुश्मनों से। दुश्मनों से लड़ना है। आपकी अम्मी आई है साथ? आई है। आई है? अम्मी, अम्मी ने कहा है कि जाना है आर्मी में? क्यूट चीज, कोई बात नहीं, अम्मी ने भी कहा है तो क्या हो गया, अम्मी की बात तो सबसे अच्छी होती है। अम्मी से बात करना चाहूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे लगता है माओं का जज्बा जो है ना वही बच्चों में
आ जाता है, ऐसा ही है। हाँ जी, बच्चों को आर्मी का यूनिफॉर्म स्पेशली बहुत ज्यादा जो है अपील करता है, और ये आर्मी पब्लिक स्कूल में ही पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई आर्मी को बहुत ज्यादा ये वो करते हैं, आइडियलाइज करते हैं। तो आई विश के जिस भी फील्ड में जाएं, अल्लाह करे कि ये अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें अच्छे तरीके से, जो है अपना मुल्क का नाम रोशन करें, पेरेंट्स का नाम, अपने टीचर्स का नाम और अपने मुल्क का नाम। बल्कि ये एक सॉन्ग भी प्रिपेयर इन्होंने किया हुआ है, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना। क्या बात है भाई, क्या बात है। आपसे जो है हम ये सॉन्ग भी सुनेंगे, ठीक है। पहले जो है हमारे मेहमान बहुत पेशेंट हैं और मैं उन्हें बहुत जल्दी से वेलकम करना चाहूँगी। कमांडर सैयद शफात अली शाह, तमगा इम्तियाज़ भी इनको मिल चुका है। 24 साल से पाकिस्तान नेवी नॉर्थ में जो है ये सर्विस अपनी दे रहे हैं। हम सब के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए उनके लिए। और हमारी फर्स्ट वुमेन कमांडर फरा सादिया है हमारे साथ, जो फर्स्ट फीमेल ग्रुप ऑफ नेवी का हिस्सा भी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने कहा आपको बच्चों की बातें जो है थोड़ी सी मैं सुनाऊं। अगर आप सारों को देखें ना, एक बीच में जो है नेवी का भी बच्चा है ना, उससे भी हम बात करेंगे अभी आके। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी आपके वालिद शहीद साहब की, और मैं कहूंगी कि जो आप हमें, जो उनकी दास्तान है वो क्या ही छोड़ गए। अगर गाजी हमारी एक सबमरीन थी, उसकी जब बात की जाती है तो कहते हैं कि किसी ने, दुश्मन ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस फोर्स से जो है हमारी फर्स्ट सबमरीन आगे आएगी और इस तरह वो मुकाबला करेगी। और कहते हैं कि उसके साथ अल्लाह ताला का भी जो है एक हाथ था, क्योंकि सिर्फ इंसान तो इस तरह लड़ ही नहीं सकता जैसे वो लड़ी, और उसमें आपके वालिद साहब जो है वो शहीद हुए। आज मेरा सलाम, हम सब का सलाम उनके लिए, हम उन्हें याद करते हैं, हमारी दुआएं आपके लिए हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, आपके वालिद साहब जैसे लोगों का, कि आपकी कुर्बानियों की वजह से आज हम यहाँ पर सही सलामत खुशबाश बैठे हैं और यहाँ बात कर रहे हैं सबके बारे में, वरना शायद हम यहाँ ना होते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि वो वाकया आप हमें सुनाइए। बिल्कुल जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इन्वाइट करने का। आपकी आखिरी बात जब आपने की कि आप शुक्रिया अदा करने जाती है, तो मेरे हिसाब से मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अपनी वालदा का करना चाहूँगा, जिन्होंने उस शहादत के बाद, इंसिडेंट के बाद से लेकर अभी तक हमारी परवरिश की और हमारा मोराल इस वक्त तक हाई रखा। बात करते हैं 1971 की शहादत, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। समरीन हमारी गाजी जो थी वो 65 की वॉर में भी उसने पार्टिसिपेट किया। उसकी दहशत इतनी ज़्यादा थी 65 की वॉर में कि आप यकीन कीजिए, जब वो सरफेस पे भी होती थी तो कोई इंडियन शिप की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने हार्बर से बाहर निकल सके, उसकी इतनी ज़्यादा दहशत थी। उसी दहशत ने इंस्पायर किया मेरे फादर को। मेरे फादर उस वक्त समरीन में नहीं थे 65 की वॉर में, उन्होंने ज्वाइन की 1968 में। 1971 की जो जब वॉर डिक्लेयर हुई, जहरी बात है जब भी वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो हम हर वक्त हालत जंग में होते हैं। हालत जंग से पहले उसकी जो प्रेपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी वाक्य को के साथ निबड़ने के लिए जो आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 71 की वॉर जब गाजी को एक मिशन दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट मिशन था, काफ़ी लोगों को इसका इल्म नहीं था, क्योंकि सीक्रेसी ही इस किस्म के मिशंस की सक्सेस का नतीजा होती है। सबमरीन इज अ डिज़ाइन टू बी अननोन, यू नो, इस तरह। तो इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका थ्रेट पाकिस्तान नेवी को था। हमारी इंटेलिजेंस रिसोर्सेज से पता चला उसकी लोकेशन का, वो उन्होंने पार्क किया हुआ था अपने ईस्टर्न विशाखापट्टनम बेस के ऊपर। हमें गाजी को मिशन ये दिया गया कि आप लोगों ने जाके वो ब्लॉकेट करना है, उस हार्बर को ब्लॉकेट करना है वहाँ, और ब्लॉकेट करना है माइंस के साथ, और अगर मौका मिले और एयरक्राफ्ट कैरियर इन साइट हो तो उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। इट वॉज टोटली अ सीक्रेट मिशन, किसी को पता नहीं था। वॉर शुरू होने से पहले ही मिशन पे डिप्लॉयड कर दिया गया था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह दे वेंट ऑल द वे फ्रॉम कराची टू साउथ, और फिर ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में विशाखापट्टनम पे जाके उन लोगों ने माइंस बिछाई। समरीन गाजी बहुत ह्यूज समरीन थी। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि डिज़ाइन उस इक्विपमेंट के लिए नहीं किए जाते, लेकिन वॉर में जब ऐसे टाइम आ जाता है जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, तो गाजी को वो मिशन दिया गया कि आपने जाके माइनिंग करनी है उस
हार्बर पे, सो दैट वहाँ से इंडियन शिप्स और स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर बाहर ना आ सके, ताकि एक एंड को हम लोग सिक्योर कर लें और दूसरे एंड के साथ बाकी हमारी सर्फेस शिप और जो बाकी वेसल्स हैं वो उसको टैकल कर सकें. अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी सक्सेसफुल. मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि गाजी मिशन के लिए जो सबमरीन फोर्स के सबसे आला किस्म के ऑफिसर्स और जवान थे उनको सेलेक्ट किया गया था इस मिशन के लिए, जो प्रोफेशनली वेरी साउंड थे. उन लोगों ने अपने मिशन को पूरे तरीके से कामयाबी से सर अंजाम दिया. दे माइंड द एरिया, पूरा एरिया को माइंड कर दिया था, और माइनिंग करते हुए बहुत लो डेप्थ वाली जगह पे भी जाके उन लोगों ने माइंड किया, जहाँ पे वो सबमरीन डिज़ाइन नहीं थी कि उसको माइंड किया जाए, लेकिन वॉर के अंदर ऐसे मिशन दिए जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे माइनिंग करते हुए अपनी ही एक माइन उनकी एक्सप्लोड कर गई. स्वेल्स के साथ और टाइड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और थी, उसकी वजह से वो एक्सप्लोड कर गई और ऑलमोस्ट 96 लोगों ने वहाँ पे शहादत. 96 वॉज द कॉम्प्लीमेंट. मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन लगभग 1.5 साल की थी. तो माय फादर वाज लाइक 26 इयर्स ओल्ड, माय मदर वाज लाइक 23 इयर्स ओल्ड. अच्छा. मेरा एक भाई उनकी शादी के बाद पैदा हुआ, हम दो भाई हैं. तो टेक्निकली मैंने अपने फादर को देखा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी माँ के अंदर अपने बाप को पाया है, क्योंकि उनकी जो परवरिश पहले दिन से लेके आज तक जो है. मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि आज तक पूरी मेरी ट्रेनिंग में और मुझे दोबारा नेवी में जाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, आज तक मेरी माँ ने मुझे मेरे दिल में और मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली कि ये आपका दुश्मन है, उसके साथ ये करना है. हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की और एक पॉजिटिविटी हमारे दिलो दिमाग में डाली कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पाकिस्तानी बनना है. बाप तो मेरा शहीद हो गया 71 की वॉर में, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी माँ हर उस स्टेज पे शहादत की फीलिंग को उन्होंने महसूस किया होगा जो मेरी ज़िंदगी के हर स्टेज पे, मेरी पढ़ाई, मेरी शादी, मेरे बच्चे और अभी तक फील करें. तो हैट्स ऑफ टू हर एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दोज मदर्स जो अभी हमारे पास हैं और जिनके बच्चे, क्योंकि एक जब बच्चा शहीद होता है तो एक इंसान शहीद नहीं होता, उसके साथ रिलेटेड 2 से 3 ख़ानदान शहीद हो जाते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के पास ऐसी माएँ हैं जिनका जिनकी हिम्मत और करेज की हम जितनी भी कदर करें वो मिसाल दें वो कम है. कम है बिल्कुल. और ऐसी माओं को हमारा सलाम. जी बिल्कुल, ऐसी माओं को हम सबका सलाम. मैं अगर सुन के आपका दिल इतना वीक हो जाता है, आपसे नहीं बर्दाश्त होता, और आपकी मतलब एक जिंदगी डेडिकेट की है उन्होंने आपको, और मैं कहती हूँ माओ के अंदर एक खौफ, ये कैसी माएँ हैं मुझे नहीं समझ आती. मतलब आपके साथ कोई छोटा सा इंसिडेंट हो जाए आप उसको भुला नहीं सकते, और आप पूरी कोशिश करते हो कि मेरे अजीज़ जितने भी हैं वो बिल्कुल भी उसके करीब भी ना जाएं कि उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए. आपको उन्होंने बड़ा किया, पाला पोसा, और आप उसी पोजीशन में हैं आप. ठीक है. मेरा ये उनसे वादा था कि जब मैं नेवी ज्वाइन कर रहा था 87 में, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ के ज्वाइन करूँगा नेवी, क्योंकि बड़ी हिम्मत चाहिए कि जिस औरत का हस्बैंड शहीद हुआ है और उसी फोर्स में वो अपने बेटों को भी भेजे. तो मैंने उनसे इजाज़त ली, उन्होंने इजाज़त दी, और उनकी इजाज़त से ही मैं फिर फोर्स में आया. और वो जो उनकी मैं अपने फ्रेंड्स को भी बता रहा था अभी थोड़े दिन पहले कि जब हम ट्रेनिंग पे भी थे, हम लोग समंदर में भी जाते हैं महीनों महीनों के लिए, हम लोग मिशन पे भी जाते हैं, एक्सरसाइज पे भी होती हैं, ऐसी ऐसी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज भी होती हैं, लेकिन मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता. क्यों? क्योंकि मेरी मुझे पता है कि खुदा के बाद मेरी माँ मेरे लिए घर पे दुआ कर रही है. तो वो इतना बड़ा जज्बा है और इतना बड़ी फीलिंग है कि वो आपको किसी भी खतरे से निपटने के लिए कोई आपको किसी चीज़ की फीलिंग नहीं होती. बिल्कुल. तो ये बहुत बड़ा, किसी चीज़ से डर नहीं लगता, माँ की दुआ जिसके पास हो, जिसके साथ, किसी चीज़ से डर नहीं लगता, और बहुत हिम्मत आपको मिलती है. ये कहानी थी सैयद शुजात अली शाह की. हमने आपके अब्बू की इंट्रोडक्शन दी उनको, और हमारा सलाम. मैं जितना कहूँ उतना कम है आपकी माँ को, आपको, आपकी हिम्मत को, और आपने जिस जज्बे से, जिस मकसद के लिए सब कुछ किया, अल्लाह ताला ही जो है उसका अजर आपको दे सकते हैं. आपसे भी हम बात करेंगे, आप खुद भी एक माँ हैं. एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम आपकी भी जो है ये फर्स्ट वुमेन नेवी की जो आप ग्रुप का हिस्सा हैं इसके बारे में भी बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद. पुत्र विकाऊ जीव नहीं,
बैक टू मेक द मॉर्निंग में थोड़ा सा आज का दिन ही ऐसा है, आप जज्बाती हो जाते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ा ठीक होने के लिए. आपने बहुत सारी ऐसी बातें मुझे ऑफ स्क्रीन बताई जो वाकई में मतलब सिर्फ शुक्रिया कहने के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती. हमारे साथ एक कमांडर फरह सादिया, आपसे मैं पूछूंगी एक माँ होने का, मैं कहती हूँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप ही हमें बता सकती हैं, तो बताइए कैसा लगता है इन फोर्सेस में रह के, अपने बच्चों के लिए क्या फ्यूचर देखती हैं आप? बच्चों के लिए एक्चुअली मेरे अपने फादर भी आर्मी में थे और सारी ज़िंदगी हमने वही माहौल देखा और मुझे ख़ुद भी आर्मी में जाने का बहुत शौक जब शौक था, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि आर्मी में फीमेल्स थी नहीं अदर देन मतलब एएमसी, तो एज अ डॉक्टर बस, तो मेरे पास क्योंकि इंजीनियरिंग थी तो मैं उस साइड पे जा नहीं सकती. तो जब मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया उसके बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज ज्वाइन की, तो हमारी ट्रेनिंग हो रही थी लाहौर में, तो पीछे से ये नेवी का एड आया न्यूज़पेपर पे, तो मेरे फादर ने ही वो पढ़ा और मुझे फ़ोन पे बताया कि मैंने ये एड देखा है तो मैं तुम्हारे लिए ना डॉक्यूमेंट्स ले आया हूँ, मैंने फिल भी कर लिए हैं. अच्छा. और तुम्हारे साइन करके मैं ये जमा करा आ रहा हूँ. तो मतलब वो इतने ज्यादा वो थे क्योंकि उनको पता था कि मैं खुद जो है ना बहुत शौक था फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा आर्मी नेवी एयरफोर्स सब एक जैसी है, अगर अपने मुल्क के लिए करना है तो आप आर्मी में भी रह के कर सकती हो, नेवी में भी रह के कर सकती हो, एयरफोर्स में, तो तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम इसको जरूर ट्राई करो. उन्होंने मेरे फॉर्म्स जमा कराए, अल्लाह का शुक्र है मैं सिलेक्ट हो गई, आईएसएसबी क्लियर हो गई, इंटरव्यू हो गया और फाइनली हम लोगों ने कराची में जो हम पीएनएस बहादुर है हमारी एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी, वो हमने ज्वाइन की और ट्रेनिंग हमारी बहुत बहुत अच्छी, मतलब टफ बहुत ट्रेनिंग. अब हम जब सोचते हैं बैठ के अपने सारे कोर्समेट्स उन दिनों को तो हमें बिल्कुल एक ख्वाब लगता है कि यार हमने कैसे वो सरवाइव किया, क्योंकि हर दिन हमें यही लगता था कि बस आज आखिरी दिन है हमारा ना. अच्छा. तो लेकिन बस वो टाइम गुजर गया और आज मतलब मुझे नेवी में 18 साल हो गए और 18 साल से मैं नेवी सर्व कर रही, बीच में शादी भी हुई मेरी, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में हैं. अच्छा. और बच्चे भी मेरे दो हैं और वो जब देखते हैं मतलब मेरी बेटी को स्पेशली बहुत शौक है, तो वो इवन जब वो बहुत छोटी थी तो तब भी देखती थी कि कैप्स हमारी पड़ी भी होती थी इवन गाड़ी में ना, तो वो हम जाते थे तो वो मेरी कैप पहन के तो कहती थी मामा अगर किसी ने सलूट किया तो आपने नहीं जवाब देना मैं जवाब दूंगी. अच्छा. तो वो उसको बहुत ज्यादा शौक था कि मतलब मैं जाऊंगी फोर्सेस में, बल्कि इवन एक दफा तो वो अपने बाबा का यूनिफॉर्म पहन के ना, उतना उसको बड़ा था लेकिन यूनिफॉर्म पहन के वो कह रही है मामा मेरी पिक्चर खींच ले. अच्छा. तो मतलब ये जज्बा है, बहुत जज्बा वो है. और दूसरा ये कि आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, आई थिंक हमारा एक छोटा सा टेक्निकल एरर है, छोटी सी ब्रेक लेके हम वापस आ रहे हैं. वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग. हमारे पास एक प्यारी सी जो है आर्मी ऑफिसर भी आ चुकी है. फ्यूचर क्या नाम है आपका? फातिमा. माइक में बोलो ना. फातिमा. सबको सुनाना है ना क्या नाम है, क्या सुनाने लगे आप हमें? मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है. मुझे दुश्मन. आपने भी यही सुनाना है हमें? अगर आपने ये सुनाना आ जाओ फिर, आप भी आ जाओ. शाबाश. ये जो दो बच्चे हैं हमारे, आपने भी यही सुनाना है हमें दुश्मन के बच्चों को हराना है, यही है? नहीं. अच्छा चलें जी. कलम की जो जगह थी वो वही है पर उसका नाम तक बाकी नहीं है, कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच हो वो भुला झुकता है कोई, वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है. मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो जिसको सोच के सोती नहीं माँ, किताबें देख के रोती रही माँ, वो जिसकी वापसी की राह तक दे, ये दरवाजा खुला बाबा जो रख दे, वो जो सारी नजरों से
तुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। कवर के सामने हफ्ता गया है, वो अपना छोड़ कर बसता गया है, एक ऐसी कहानी लिख गया वो, किताबों में निशानी रख गया वो। वो माथा चूमने वाला लहू था, वो जिसने ख्वाब को भी खो दिया था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बहुत टैलेंटेड, इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने जो है पढ़ा। चलो बैठ जाइए जाके, और ये जो हमारे नेवी के छोटे से ऑफिसर है ना, ये आ जाए मेरे पास जल्दी से, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा, क्या करना है आगे? नेवी ज्वाइन करनी है जी। और क्या बनना है? उन जैसा। उन जैसा बनना है, ये हमारे हीरोज, हमारे प्रायोरिटीज हमारे सामने है जी। अच्छा जी, तो किसने कहा? मामा ने कहा नेवी में जाना है? नहीं, क्या आप इसको मशवरा देंगे? मेरा मशवरा तो ये, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई तो है जो कह रहा है कि मैं नेवी में जाऊंगा लेकिन नेवी जॉब के साथ साथ एक एडवेंचरस फोर्स भी है। जब आप जहाज के ऊपर होते हो तो आप पाकिस्तान के अलावा समुंदर में सफर भी करते हो और दुनिया के बहुत से ममालिक में जाके विजिट करते हो, डिफरेंट कल्चर को देखते हो, और जब आप दूसरे मुल्कों में होते हो तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो और आप अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हो, तो आपको बहुत, आप बहुत प्राउड फील करते हो कि एक बंदा जो कि एक फोर्स भी है, मुल्क की भी खिदमत कर रहा है और मुल्क को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये यंग नेवल ऑफिसर हमारे सामने खड़ा है। शाबाश बच्चे, चलो जाके बैठ जाए, शाबाश। अच्छा जी, मैं आपसे उस वक्त बात कर रही थी जब हम लोगों ने छोटी सी ब्रेक ले ली, तो आप मुझे बताइए, अच्छा बच्चे जो हैं वो इतने प्राउड है कि आपकी टोपी पहन के, यूनिफॉर्म पहन के गए थे, मेरी जो है पिक चले, तो क्या फ्यूचर देखती हैं आप उनका? आप चाहेंगे कि वो फोर्सेस ही ज्वाइन करें? जी, मैं तो उनको कभी मना नहीं किया, कि इवन हम दोनों ने कभी नहीं मना किया, हम दोनों क्योंकि फोर्सेस से हैं, खुद इतना जज्बा है तो अगर वो जाना चाहें तो हमारी तरफ से कोई उनको वो मना नहीं। क्या बात है। अच्छा, आपने मुझे ब्रेक में एक बात बताई थी, मैं चाहूंगी आप बाकी सबसे भी शेयर कीजिए, जो आपके साथ इंसिडेंट पेश आया था। जी, वो एक इंसिडेंट था, मैं उस वक्त लेफ्टिनेंट था और एक जहाज के ऊपर सर्व कर रहा था, 1997 की बात है ये। मेरी शादी को लगभग एक महीना हुआ था और हम लोग समुद्र में एक एक्सरसाइज कर रहे थे, जुलाई अगस्त का महीना था। जुलाई अगस्त में अमूमन समुंदर बहुत रफ होता है, लेकिन हमारे लिए रफ या नो रफ का कोई जवाब नहीं बनता, कॉन्सेप्ट नहीं है उसके लिए, डिफरेंट प्रेपरेशंस होती हैं रफ वेदर के लिए। बट हम एक ऐसा एक एवोल्यूशन कर रहे थे जहाँ पे हमें आउटर डेक पे मौजूद होना जरूरी था, एक रिफ्यूलिंग थी जिसके लिए हमारे लिए आउटर डेक पे होना था। सी वॉज वेरी रफ और मैं उस टीम को लीड कर रहा था, और सडनली देयर वाज ह्यूज वाटर स्वेल जो कि हमारे शिप के ऊपर आई और तकरीबन 20-22 लोगों को वॉश करके चली गई। 7-8 लोग पानी में गिरे, उनमें से एक मैं भी था। अच्छा। मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ कि जब मुझे उस वेव ने हिट किया तो एक वायर रोप थी जो टैंगल हो गई मेरे हाथ के साथ। अच्छा। तो मैं ओवरबोर्ड तो हुआ लेकिन जहाज से दूर नहीं गया, जहाज के साथ आउटसाइड ऑफ शिप में लटका हुआ था, हाफ अंडर वाटर और हाफ पानी से ऊपर, और शिप वाज लाइक मूविंग। सो यू वर बीइंग ड्रैग्ड। आई वाज बीइंग ड्रैग्ड एंड आई कुड रिमेंबर, एंड आई वाज ट्राइंग टू यू नो अनशकल माय सेल्फ, बट वो हो नहीं रहा था बिकॉज उसकी स्ट्रेस बहुत ज्यादा था और स्पीड भी थी शिप की। द होल इंसिडेंट वॉज फॉर अबाउट 11 मिनट्स पानी में रहने का, और सी रफ था और जो बाकी लोग गिरे थे, शिप मनूवर कर रहा था उनको बचाने के लिए, नोबडी न्यू के आई एम आउटसाइड दैट। वो 11 मिनट मेरी पूरी जिंदगी फ्लैश हुई मेरे साथ, मुझे हर वो शख्स नजर आया जो
मुझ में मौजूद नहीं था या मुझसे बहुत क्लोज था, वहाँ पे मुझे एक चीज़ का ख्याल आया, मुझे अपनी माँ का ख्याल आया और मैंने अल्लाह से ये दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह मुझे बचाओ, मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि मेरी माँ इस वक्त दूसरा सदमा शायद बर्दाश्त ना कर सके, तो उसकी खातिर सेव मी। तो दैट वॉज अ इंसिडेंट, लेकिन मैं यहाँ बात बता दूँ, उस इंसिडेंट के बाद ऑल्दो आई हैव सीन डेथ वेरी क्लोजली, लेकिन उसके बाद से मेरे में इतना ज़्यादा जज्बा है कि मुझे पता है कि मेरी माँ ही की दुआ ही थी जिसने मुझे वो उस इंसिडेंट से बचा लिया। बिल्कुल। और वो ऐसा इंसिडेंट था कि जो मुझे अभी भी याद करता हूँ तो मुझे उसका खौफ आता है, लेकिन उसने मुझे इतना करेज और जज्बा दिया हुआ है कि मुझे अब किसी चीज़ स्पेशली मौत से कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। और ये जो है ना, ये आपने जो माँ का वास्ता दिया था खुदा को, फिर उसको तो रायगा नहीं करते ना, वो वही दुआ थी जिसने आपको बचा लिया। एक आज क्या मैं सिर्फ कहती हूँ कि ये जो जज्बा है, एक पेट्रियाटिक स्पिरिट है, अभी मैं ब्रेक में भी इनको कह रही थी कि जब ये दिन आता है ना तो इतने आपके जज्बात जाग जाते हैं कि दिल करता है अब जाके एक एक ऑफिसर को जाके कहो कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू कि आप हमारे लिए सब कुछ करते हैं। इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग प्यार आता है अपनी फोर्सेस के लिए। और ये जंग जो है ये सिर्फ पैसे की नहीं है, हम एक जंग रोज़ लड़ रहे हैं और ये एक कॉन्स्टेंट प्रोटेक्शन है जो हमारी फोर्सेज हमें देती है। और ये हम कहेंगे उनका एहसान है हम पे और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, सिर्फ हमारे और आर्मी ऑफिसर्स के ही नहीं बल्कि उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी बीवियां, जो अपने ऊपर रोज़ जबर करती हैं और अपने आप को सेकंड रखती हैं और पाकिस्तान को फर्स्ट रखती हैं कि अगर मैंने जो है अपने एक हिस्से को भेजा है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तो वो एक बहुत बड़ा पर्पस जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो हम सलाम पेश करते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जो सलूट मारना चाह रहे हैं। अब ये टाइम होता है ना, खड़े हो जाएं जी कैमरे की तरफ। कौन सा कैमरा है इनका? सर आपको मैं किसी चीज का ऑर्डर नहीं दे सकती, ठीक जी। मुझे खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच माई लवली ऑडियंस, थैंक यू माई ऑफिसर्स। मैं तहे दिल से आप सबका जो है शुक्रिया अदा करूँगी। यहाँ पर हमारी आर्मी की जो है बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन एक नाम जिसके अलावा जो है ये दिन अधूरा है, मेजर अजीज़ भट्टी साहब की फैमिली के लिए, और उनको हम यहाँ पर ज़रूर याद करेंगे। हमारा सलाम है उनकी फैमिली को, हमारा सलाम है उनकी शहादत को। थैंक यू सो मच, थैंक यू माई फोर्सेज अगैन। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग महकती मॉर्निंग। अल्लाह ताला आप सबको, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को, अल्लाह ताला हमारे इस फोर्सेज को सबको अपने हिफ्ज़ोमान में रखे। हमारी दुआएं जो हैं इन बच्चों के साथ हैं, आप सबके साथ हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज का शो जो है आपकी खूबसूरत आवाज से हम रैप करते हैं। आज का दिन वतन के सजीले जवानों को ट्रिब्यूट देने का है, तो मैं एक छोटी सी कोशिश करके उनको ट्रिब्यूट देने की।